वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज पहले मैंने आपको 27 चैप्टर सेकंड ईयर की बायोलॉजी का अच्छी तरह उसके टॉपिक्स मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए हैं। इसी तरह मैं आपको ना 25 चैप्टर है हमारा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने जा रही हूँ। तो देखें, इकोसिस्टम की डेफिनेशन मैं आपको सबसे पहले मैं आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ाती हूँ। इसमें है क्या, अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी टुगेदर विद एसोसिएटेड ए बायोटिक इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन एक ये भी है, इकोसिस्टम में बी डिफाइंड एज इन एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव एंड इंटैक्ट विद ईच अदर विद द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। मतलब ये वो एरिया होता है जहाँ जानदार आपस में रहते हैं, विच ईच अदर एंड इंटैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, एंड विद द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। एक ही इन्वायरमेंट में जब जानदार एक दूसरे के साथ रहते हैं और ताल्लुक़ रखते हैं, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। एक ही एरिया में जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स लीव रहते हैं एंड इंटैक्ट और ताल्लुक़ रखते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, विद द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में इज कॉल्ड इकोसिस्टम। देखें ये जो होता है, इसके कंपोनेंट्स मैं आपको बता रही हूँ। इकोसिस्टम के लिविंग होता है लिविंग और बायोटिक, नॉन लिविंग और एबायोटिक। मतलब इसकी एग्जांपल में इसके जो हम कंपोनेंट्स हम लिखेंगे बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स भी मैं आपको बताती हूँ और बायोटिक फैक्टर्स भी बताती हूँ। इसी तरह देखें, आप इसकी यहीं से डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब जो के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, जो के ज़िंदा जानदार हों। जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट्स आर कंसिस्ट एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डीकम्पोजर ETC। इसमें ना बायोस्फेयर भी आ जाता है। बायोस्फेयर क्या है, थीन लेयर ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फेयर। अच्छा, एबायोटिक फैक्टर सेम एज वैसे की वैसे है, लेकिन वो तो थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉर्मल सी बात है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे और इसमें नॉन लिविंग। इसमें क्या है, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, सोइल्स, वाटर। एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड नॉन लिविंग बट नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें क्या होते हैं, ज़िंदा जानदार चीज़ें नहीं होती लेकिन नेचुरल होती हैं, कुदरती होती हैं, जैसे हमारा पानी, मिट्टी, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अच्छा, जो एबायोटिक होते हैं, इसमें एटमॉस्फेयर है, इसमें हाइड्रोस्फेयर है और लिथोस्फेयर है। ये क्या है, ये टर्म है, मतलब ये इसकी तीन ब्रांचेज हैं। मैं आपको इसी तरह इसका बताती हूँ, इसके लेवल्स हैं इकोसिस्टम के, कुछ लेवल्स हैं ये। देखें, मैं आपको अब उसके लेवल्स भी पढ़ाती जाती हूँ। लेवल्स में क्या है, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम्स एंड प्लानिटरी इकोसिस्टम। अच्छा देखें, ये इंडिविजुअल लेवल क्या है, एंड द ऑर्गेनिजम्स लेवल्स इंक्लूडिंग मैन विच रिस्पॉन्स टू एंड इन्फ्लुएंस टू द फिजिकल इन्वायरमेंट। ये मैन मतलब इंक्लूडिंग मैन रिस्पॉन्स एंड क्या, इन्फ्लुएंस टू द फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में जो है इसका रिस्पॉन्स होता है, इसमें इंक्लूड होता है मैन। उसके बाद है पॉपुलेशन लेवल, इंडिविजुअल्स ऑफ दी सेम स्पीशीज फ्रॉम पॉपुलेशन लेवल विच कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ मेंबर ग्रोथ रेट एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी लेवल की मैं आपको मज़े की बात बता रही हूँ। ऑल पॉपुलेशन विद इन एन इकोसिस्टम आर नोन एज कम्युनिटी, जबकि तमाम पॉपुलेशंस विद इन एन इकोसिस्टम, तमाम पॉपुलेशन के जानदार जो एक ही इकोसिस्टम में रह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी लेवल। बायोम्स क्या है, बायोम्स है द मेजर रीजनल इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोम्स। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो है प्लानिटरी इकोसिस्टम, कंबाइंस ऑफ बायोम्स ऑफ अर्थ टुगेदर फ्रॉम प्लानिटरी इकोसिस्टम। ज़मीन पर मौजूद जो बायोम्स हैं वो जब कंबाइंड होती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लानिटरी इकोसिस्टम।